दोस्तों, ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन शनि महाराज की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन छायादान भी बहुत लोग करते हैं और शनिदेव के आशीर्वाद को पाने के लिए शनि मंदिर में भक्तों की भीड़ भी लगती है। लेकिन शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इन कार्यों को करने से शनि भगवान नाराज हो जाते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार नौ ग्रह में शनि देव सबसे क्रूर माने जाते हैं और कहा जाता है कि ये ग्रह बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है। कुछ लोग तो इसे पाप ग्रह के भी नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी उन्नति होती है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो किसी न किसी माध्यम से भगवान शनि उसके लिए पाप का रास्ता, यानी कि उसको दंड देने का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं, यानी कि ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की नई नई वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि शनि पूजा का क्या महत्व है और शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा का दिन माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी है या फिर आपके जीवन में परेशानियां लगातार चल रही हैं, धन खर्च बढ़ रहा है, धन का आगमन कम हो रहा है, तो ऐसे में शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे सभी समस्याएं दूर होती हैं। शनिवार के दिन शनिदेव पर तिल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बेहद ही खास माना जाता है। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हमें भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए, वरना शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो शनिदेव को नाराज कर देती हैं, क्योंकि शनिदेव का प्रसन्न रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। शनिदेव के नाराज होने पर व्यक्ति को जीवन में कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है, इसलिए शनिवार के दिन काले कपड़े अवश्य पहनने चाहिए और किसी भी काले पशु पक्षी को खाना खिलाना चाहिए, चाहे कौवा हुआ या कोई भी, आप किसी भी पक्षी को खाना खिलाओ तो चलेगा। शनिवार के दिन विभूति भस्म लाल चंदन धारण करना चाहिए। शनिवार को भोजन में जो है सरसों के तेल का त्याग करना चाहिए। गुरुवार के बाद शनिवार को भी क्षमा मांगने का दिन माना जाता है। नैऋत्य पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा कर सकते हैं। भवन निर्माण प्रारंभ, तकनीकी कार्य, शल्य क्रिया और जांच करने के लिए यह दिन उचित माना जाता है। प्लास्टिक, तेल, पेट्रोल, लकड़ी, सीमेंट आदि क्रय और विक्रय का भी दिन यह बहुत ही अच्छा होता है। शनिवार के दिन स्नान के बाद शनि देव की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और इसके चक्कर लगाकर शनि देव की आराधना करें। इसके बाद पीपल के पेड़ को 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इसके अलावा शनिवार को पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा कम से कम 11 शनिवार जरूर करें। भैरव महाराज की उपासना करें। किसी भी भैरव मंदिर में शनिवार को शराब जरूर चढ़ानी चाहिए अगर आपके जीवन में शनि कष्ट है। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, विशेषकर शनिवार को कौवे को रोटी या फिर जो भी खा सके उसे जरूर खिलाएं। शमी का वृक्ष घर में लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा बल्कि शनि की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी तरह काले कपड़े में शमी वृक्ष की जड़ को बांधकर अपनी दाई बाजू पर धारण करने से शनि देव का बुरा प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है और आपकी उन्नति में वो सहायक होते हैं। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी या फिर काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष दूर होता है और आपके कष्टों में कमी आती है। अंधे अपंगों से और सेवकों सफाई कर्मियों के साथ में मतलब इस दिन अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हो सके तो उन्हें जूता चप्पल दान में जरूर दें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल निकालें और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। इसमें अपनी परछाई देखें, यानी कि अपने फेस को देखें।
फिर इसके बाद में तेल मांगने वाले को या फिर शनि मंदिर में इस तेल को ले जाकर के दान कर देना चाहिए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार जरूर करें। इससे आपकी शनि की पीड़ा जो है वो शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। हनुमान जी की पूजा करने से भी सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नियमित रूप से हनुमान जी का पाठ करें, आप कभी भी शनि की बुरी नज़र आप पर नहीं बनेगी। इस दिन हनुमान जी को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मीठा प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पीपल के पत्तों की माला बनाकर उसे शनि मंदिर में अर्पित करके शनि देव की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भी आपके जो संकट है, अगर कोर्ट कचहरी संबंधित समस्याएं हैं, तो वो भी दूर होती हैं। धार्मिक परंपराओं में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन थोड़ा सा काला तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पीपल की जड़ में पानी जरूर अर्पित करें, यानी कि जल अर्पित करें। आप थोड़े से पानी को पीपल की जड़ में डाल सकते हैं और मन में शनिदेव की प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि में सहायक बना सकते हैं उन्हें। आइए अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शनिदेव की दृष्टि में ये अनुचित और पाप कर्म है। ऐसा करने से मनुष्य को शनिदेव अवश्य ही दंड देते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन दूध और दही का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। यदि दूध पीना जरूरी है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी या फिर गुड़ मिला लें। इसके अलावा इस दिन कभी भी आम का अचार ना खाएं, क्योंकि ये खट्टा और कैसेला होता है। शनि देव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए शनिवार को इसे खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन लाल मिर्ची भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसे मंगल और सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही ग्रह शनि के विरोधी ग्रह होते हैं, इसलिए लाल मिर्ची खाने से व्यक्ति को शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा ना करें। पूरब, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। खास करके पूरब दिशा में यात्रा करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूरब दिशा में दिशा शूल माना जाता है। और इस दिन जरूरी हो तो अदरक खा करके आप पूरब दिशा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो, क्योंकि दिशा शूल जिस दिन होता है उस दिन नहीं जाना चाहिए। फिर 5 कदम उल्टे चल करके आप जा सकते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, इससे ससुराल के लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ने का चांसेस होता है और पति पत्नी का रिश्ता भी टूट सकता है। ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी कमजोर या मजबूर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई भी गरीब इंसान है, सफाई कर्मी है, अपंग है, उसके साथ में बुरा व्यवहार ना करें। शनिवार के दिन ऐसा करने से शनिदेव की जो कुदृष्टि है वो आप पर पड़ेगी और इससे आप घोर दंड के भागी बनेंगे। शनिवार के दिन बाल काटना, नाखून काटना भी वर्जित होता है। ऐसा करने से शनि देव की कृपा आपसे चली जाती है और वो अरिष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके लिए तकलीफ आपकी जो है वो बढ़ सकती है। तो फिर इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल वाल भी बहुत लोग नहीं कटाते हैं, तो ये मतलब एक दिन की बात है, तो एक दिन टाल के आप संडे को कटाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप संडे को बाल कटा सकते हैं। शनिवार के दिन बाल भी नहीं धुलना चाहिए, खासकर महिलाओं को। इस दिन बाल धोने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल के, मतलब जो सरसों का तेल होता है या तिल का तेल होता है, उसका दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इसके अलावा शनि के लिए तेल दान भी किया जाता है, बहुत लोग सरसों के तेल का दान करते हैं। शनिवार के दिन तेल दान बहुत लाभकारी होता है और इस दिन भूल कर भी बाजार से सरसों के तेल को खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इससे जीवन में तमाम तरह के कष्ट आने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपका जो शनि है वो खराब चल रहा है, तो नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन अपने पार्टनर के साथ संबंध रखने से परहेज करना चाहिए, बावजूद इसके आप उनके, मतलब उनका अशुभ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदनी चाहिए, इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। काली दाल यानी कि उड़द की दाल नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े, जूते, चप्पल, कोयला भी खरीदना अशुभ माना जाता है, तो काली चीज ना खरीदें, ना ही झाड़ू खरीदें।
मान्यता है कि शनिवार के दिन ये चीजें खरीदने से शनि दोष लगता है और कार्यों में रुकावट आने लगती है, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए शनिवार के दिन ये सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही लोहे का सामान खरीदना चाहिए कोई भी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।